हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा चैनल वही गीत एडू टॉक. और आज का मेरा टॉपिक है पॉलीगन, बहुभुज. तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए या NBS, KVS, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ सीखना चाह रहे हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं स्कूल के, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा. और 5.5 लगभग इतने मिनट का मेरा वीडियो है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको बता दूं कि इसमें मैंने पॉलीगन समझाया है, बहुपद किसे कहते हैं, बाह्य कोण अंतःकोण समझाए हैं, इंटीरियर एंगल, इनका सम को मैंने फोकस किया है, एक्सटीरियर एंगल के सम को फोकस किया है कि बाह्य कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, क्या इसके लिए एग्जीबिशन के लिए कोई मॉडल वर्किंग मॉडल भी बन सकता है, ये भी डिस्कस करा है. इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा मैंने डायगोनल्स को भी इसमें कंसिडर किया है कि डायगोनल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आइए देखते हैं इस वीडियो को. त्रिभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज आदि सभी बहुभुज कहलाते हैं. यानी जो भी हम आज तक पढ़ के आए हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, इतने भुज ये ऑल आर बहुभुज, दे आर पॉलीगन्स. बहुभुज एक समतल सतह पर बनी ज्यामिति आकृतियों का सामान्य नाम है. यानी ये दादाजी हैं बहुभुज और इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, इनके नाती पोते कहना चाहिए. तो देख लेते हैं, बहुभुज कई रेखाओं से बंद आकृति होती है. बहुभुज की परिभाषा, ऐसी सरल रेखाएं से बनी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या अधिक हो, यानी कम से कम 3 होने चाहिए बहुभुज होने के लिए. इसके उदाहरण हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि सभी बहुभुज के उदाहरण हैं. अब आप देखिए इसमें कि अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते हैं. तो अंतःकोण, बाह्य कोण थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है कि द एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल बिटवीन एनी साइड्स ऑफ अ शेप एंड अ लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक्स्ट साइड. किसी भी दो साइड को ले लीजिए और एक लाइन आगे तक बढ़ा दीजिए और जो दो साइड ली थी उसके दूसरी साइड से आप एंगल देख लीजिए. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 30 डिग्री ये अंदर होगा, इंटीरियर है ना, आंतरिक कोण है ना, तो ये इसके अंदर होगा. और बाहर की तरफ जो आपने लाइन एक्सटेंड करी थी वो देख लीजिए, टोटल होता है 180, इधर 30, तो उधर कितना बचा 150. तो ये हो गया आपका बाह्य कोण और 30 डिग्री हो गया अंतः कोण. ऐसी दूसरा एग्जांपल है आपका 65 डिग्री और 115 115 डिग्री. इसका मैंने एक मॉडल भी बनाया है, उसकी वर्किंग आगे है वीडियो में. तो थोड़ा सा ये इसका एक लुक है, ओवरव्यू है किस तरह से ये वीडियो मॉडल बना हुआ है. अब बात करते हैं विकर्णों की. अगर 3 साइड है तो 0 विकर्ण होंगे, कोई विकर्ण नहीं होगा. 4 साइड हैं तो 2 विकर्ण होंगे. 5 साइड है तो 5, 6 है तो 6, 9 अगर 6 हैं तो 9 विकर्ण होंगे. तो विकर्ण क्या किसे बोलते हैं वो मैं आपको, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा कि विकर्ण पे बना दीजिए एक वीडियो. तो देखिए एक ये बहुभुज है, यानी सप्तभुज है, 7 भुजाएं हैं इसकी. इसमें आप देख रहे हैं विकर्ण नीली लाइन से, लाल लाइन से, हरी लाइन से, पीली लाइन से, ये गूगल से इमेज से निकाला है मैंने. तो इस तरह से विकर्ण गिनना है तो 14 हैं टोटल ये. तो ये तो 14 गिनना तो बड़ा टैकी काम है. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आ गया है, ट्रिक आ गई है, n(n-3)/2. तो आप देख लीजिए पंचभुज है ये, तो कितनी होंगे, n मतलब साइड्स कितनी है. तो अगर इसी बात कर लेते हैं सप्तभुज की, तो इसकी साइड्स हैं 7 × 7 − 3 मतलब 4/2 यानी 14, 7 × 14. ऐसे आप मेंटल कैलकुलेशन करिए त्रिभुज के लिए, चतुर्भुज के लिए, पंचभुज के लिए, षडभुज के लिए करिए ना, षडभुज के लिए करिए 6 × 6 − 3 मतलब 3, 6 × 3 = 18 और 2 से डिवाइड कर दीजिए 18 को, तो 9 डायगोनल्स आ गए. तो हो पा रहा है ना. तो बस यही है सिंपल n(n-3)/2. तो 3 0 0 डायगोनल्स, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एक बार एग्जाम में कि 0 3 साइड्स पे अगर त्रिभुज है तो उसके कितने विकर्णों की संख्या, तो उसके 0 होगी n(n-3). या वैसे भी आप में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा. तो अब देखो थोड़ा सा समरी ले लेते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का एक 360 होता है. जो मेरा मॉडल है ना वो इसी पर बेस्ड है, बच्चों को यही बताने के लिए कि भाई 360 होता है, याद कर लो. अगर समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की बात करी जाए, हर बाह्य कोण, तो 360/n फॉर्मूला होता है. अंतः कोणों का योग की बात करी जाए तो n − 2 × 180 होता है. तो आप ये फॉर्मूले फटाफट से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल की मैं सीरीज आगे बना दूंगी. उसके बाद यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या n हो तो उसके विकर्णों की संख्या होती है वही n(n-3)/2. इंग्लिश में भी दे दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण जो होता है उनका अगर सम निकालेंगे तो n-2. इसी तरह से आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए.
और नंबर ऑफ डायगोनल्स का आप जानते ही हैं, एन एन माइनस थ्री अपॉन टू. अभी मैंने इसको डिटेल में वीडियो में आपका होगा तो मैं डाल दूंगी. अब ये जो मॉडल जो मैंने बनाया था कि जब ये भाई इस तरह से ये वर्किंग मॉडल है कि इसकी जो स्टिक्स हैं वो मूव हो सकती हैं, भाई कैसे त्रिभुज बनेगा, कैसे चतुर्भुज बनेगा, और इसके एंगल मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पर कंपास लगा दिया है. और इस तरह से ये एक वीडियो तैयार हो गया है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, एंड थैंक यू.